दक्षिण कोरिया की सरकार ने अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास का फैसला अभी तक नहीं लिया है। कल ही उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन ने दक्षिण कोरिया को अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास नहीं करने की धमकी दी थी। किम जोंग उन ने कहा था कि इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आएगी। मलेशिया की संसद के बाहर यहां के विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा। संसद के अंतिम सत्र को नहीं करवाने को लेकर विपक्षी दलों ने इस्तीफा मांगा। नेताओं ने प्रधानमंत्री पर यहां के सांसदों को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी। इसी को देखते हुए उज्बेकिस्तान की सरकार ने सड़क के रास्ते ताजिकिस्तान में अपनी सेना भेजी है। पांच अगस्त को ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर इब्राहिम रईसी शपथ लेंगे। 18 जून को हुए चुनाव में रईसी ने मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी को हरा दिया था। कोरोना महामारी के चलते लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ बड़ी संख्या में राजधानी बर्लिन में लोगों ने प्रदर्शन किया। महामारी के दौरान प्रदर्शन करने और नियमों को तोड़ने के आरोप में 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो में नहीं थम रहा ओलंपिक के विरोध में प्रदर्शन। एक बार फिर यहां के प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ओलंपिक खेलों के आयोजन का लोग विरोध कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वियतनाम में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। हो ची मिन्ह शहर के साथ साथ 18 प्रांतों में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। देश के कुल 64% नए मामले हो ची मिन्ह शहर से निकले हैं। ऑस्ट्रेलिया के तीसरे बड़े शहर ब्रिस्बेन में अगले रविवार तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। कोरोना मामलों में कमी नहीं आने के बाद यहां की सरकार ने फैसला लिया। ब्रिस्बेन के साथ साथ कई और शहरों में इसी मंगलवार को लॉकडाउन खत्म हो रहा था। उत्तरी कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय समय के अनुसार रविवार दोपहर 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ। भारी बारिश के बाद अमेरिकी राज्य यूटा के सॉल्ट लेक शहर में बाढ़ आ गई। सड़कों पर बेहद तेज रफ्तार के साथ सैलाब बढ़ता दिखा।